subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। मैं आज एक नए लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और साइज के अंदर आपको 14 इंच का आपको लैपटॉप देखने को मिलेगा और जिसका मॉडल इस प्रकार है, CR2000TU करके ये मॉडल आएगा और कोर i5 के अंदर है। 10 जनरेशन का प्रोसेसर आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलेगा। ये रखा है लैपटॉप और आज इसी की करेंगे अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग करने से पहले कर लेता हूँ इसके मेन हाईलाइट फीचर्स की बात। तो यहाँ मैं मैन्युफैक्चर की बात करूँ तो यहाँ मैन्युफैक्चर मेरे को देखने को मिल रही है फरवरी 2020। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये कितने रुपए में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल कर लेता हूँ मैं इसके मेन हाईलाइट फीचर्स की बात। तो यहाँ मैं सबसे पहले बात करूँ, इसमें कोर i5 10 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिसकी फ्रिक्वेंसी 1.6 GHz है और आप इसे इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी से आप इसे 4.2 तक आप इसे यूज कर सकते हो, जिसमें आपको 6 MB कैश मेमोरी देखने को मिलेगी और 4 कोर आपको इसमें देखने को मिल ही रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं हर बार आपको बताता हूँ इसमें 10 जनरेशन का प्रोसेसर आपको देखने को मिल रही है जो 10 नैनोमीटर पर काम करता है और पावर कंजप्शन बहुत कम देखने को मिलेगा यहाँ। और बात करूँ मैं इस लैपटॉप में रैम की, तो यहाँ आपको 8 GB DDR4 रैम देखने को मिलेगी, 2666 MHz पे काम करती है। आपको इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी जो 5400 RPM पे काम करती है। साथ में आपको इसमें मिल रही है 256 की NVMe 256 SSD और इनबिल्ट आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलेगी। लैपटॉप की स्पीड के लिए सबसे बेस्ट SSD NVMe रहती है M.2। इसमें आपको 14 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो काफ़ी अच्छी रहती है। और तो फ्रेंड्स, कर लेते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग, देखते हैं HP की बिल्ड क्वालिटी कैसी अपने को देखने को मिलती है और 14 इंच के अंदर अपने को लैपटॉप कितने क्या वेट का अपने को देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, बॉक्स कंटेंट की मैं बात करूं तो यहाँ अपने को मिल जाता है स्टार्टिंग में एक बेसिक सा यूजर मैनुअल और यहाँ मिल जाती है अपने को पावर केबल और पावर केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है अपने को देखने को मिलती है। और 65 वोल्ट का यहाँ अपने को AC पावर एडाप्टर देखने को मिलता है ब्लू पिन के अंदर और अधिकतर HP के सारे ही लैपटॉपों में ऐसा ही चार्जर अपने को देखने को मिलता है। और HP की बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ इस लैपटॉप की, तो क्या बात है, बहुत ही लाजवाब यहाँ मेरे को बिल्ड क्वालिटी यहाँ देखने को मिल रही है इस लैपटॉप की। और ये मैं आपको फर्स्ट लुक इसका दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो, यहाँ अपने को इस लैपटॉप की मैं यहाँ वेट की बात करूँ तो यहाँ अपने को 1.4 kg यहाँ अपने को वेट देखने को मिल रहा है जो बहुत स्लिम और काफ़ी लाइट वेट यहाँ मेरे को देखने को मिल रहा है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है। साथ में इस लैपटॉप की मैं कलर की बात करूँ तो यहाँ सिल्वर कलर का मेरे को यह देखने को मिल रहा है और स्क्रैच प्रूफ ऐसा लग रहा है कि स्क्रैच भी जो आप इस पर होंगे तो वो दिखाई नहीं देंगे। फिलहाल मैं करता हूँ इस लैपटॉप को ओपन। सबसे पहले यहाँ मैं बात करूँ वेबकैम की, तो यहाँ अपने को HP ट्रूविजन HD कैमरा विथ इंटीग्रेटेड डिजिटल माइक्रोफोन के साथ ये अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है। और बात करूँ मैं इसके बेजल की, तो यहाँ जो इसमें IPS डिस्प्ले दी हुई है इस लैपटॉप में बहुत स्लिम मेरे को ये बेजल यहाँ देखने को मिल रहे हैं और IPS डिस्प्ले इस लैपटॉप में अपने को देखने को मिली है। काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको यहाँ प्रोवाइड करवाएगा ये लैपटॉप। और यहाँ आगे की तरफ दिए हुए हैं ड्यूल स्पीकर, यहाँ आगे की तरफ ये सिल्वर कलर का ही मेरे को देखने को मिल रहा है और कीबोर्ड आपको काफ़ी अच्छा यहाँ देखने को मिल ही रहा है। इस लैपटॉप में आपको न्यूमेरिकन की का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 14 इंच के अंदर ही ये लैपटॉप है। तो यहाँ अपने को लोगो देखने को मिल रहा है इंटेल i5 10 जनरेशन का और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 इनबिल्ट है और आपको लाइफ टाइम के लिए इसमें मिलेगा। और यहाँ दिया हुआ है हर बार की तरह लैपटॉप, अगर आपके कोई भी लैपटॉप में कोई इशू अगर आपको आता है तो आप चैटिंग के द्वारा आप इसे रिजॉल्व करवा सकते हो। और फिलहाल कर लेता हूँ मैं इसके पोर्ट्स की बात। यहाँ अपने को साइड में स्टार्टिंग में मिल जाता है पावर पोर्ट और यहाँ अपने को मिल जाती है एथरलैंड पोर्ट और यहाँ अपने को मिलता है HDMI पोर्ट और साथ में मिल जाते हैं 3.1 के यहाँ आपको मिल जाते हैं 2 USB पोर्ट और यहाँ हेडफोन और माइक्रोफोन के लिए यहाँ मिल जाता है अपने को हाइब्रिड पोर्ट
और यहाँ आपने को दूसरी तरफ चलते हैं पोर्ट्स की तरफ, यहाँ आपने को साइड में मिल जाता है टाइप सी, जो 3.1 का पोर्ट यहाँ आपने को देखने को मिल रहा है। साइड में आपने को देखने को मिल रहा है एसडी कार्ड के लिए पोर्ट। और मैं कर लेता हूँ इसके पीछे बैक पैनल की बात, तो यहाँ आपने को दो बड़ी बड़ी रबर ग्रिप देखने को मिल रही है, जिससे आपके लैपटॉप फिसलेगा नहीं और अच्छे से ग्रिप करेगा या टेबल पे कहीं भी आप रखोगे। और पीछे की तरफ यहाँ आपने को मिल जाता है एयर वेंट का फीचर्स, जो आपके लैपटॉप को अच्छे से कूलिंग रखेगा। यहाँ आपको विंडो 10 का यहाँ लोगो देखने को मिल रहा है, जो 64 बिट में होम सिंगल लैंग्वेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी विंडो 10। और फिलहाल मैं इसको वो कर लेता हूँ रेडी लैपटॉप को, और फिर देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसे क्या आपने को देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको इसमें बताऊं, 256 GB इसमें SSD का सपोर्ट देखने को मिला है। लैपटॉप केवल 3 सेकंड के अंदर ही ऑन हो गया है, और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसे क्या आपने को देखने को मिलती है। फिलहाल मैंने कर लिया है लैपटॉप को रेडी। सुहानी की पेरेंट्स उसको जैसी है वैसे रख देते हैं, आप लोग करोगे ऐसा मुझको अलाउ? अगर हाँ तो मैं तो फ्रेंड्स, सबसे मैं बात बताऊँ आपको, इसमें जो IPS डिस्प्ले है जो आपके सामने दिख रही है, इसकी क्वालिटी कैसे कि आपको देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी मेरे को क्वालिटियाँ देखने को मिल रही है। अगर आप इसमें गेम अगर आप इसमें खेलोगे, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये लैपटॉप है 14S CR2000TU। और जैसा कि मैंने इस लैपटॉप को अभी मैंने इसमें वर्क किया है, मैंने इसमें अच्छे से नेटवर्किंग भी चलाई है, और मैंने इसको चला के भी देखा है, जो इसमें 256 GB SSD लगी हुई है NVMe M.2, उसी की वजह से ये लैपटॉप में मेरे को काफ़ी अच्छी स्पीड यहाँ देखने को मिली है। जो इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क है, वो इसमें अपग्रेड वाला वर्जन आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो SSD अपने हार्ड डिस्क आती है, उसी की तरह आपको इसमें अच्छी स्पीड 1 TB वाली हार्ड डिस्क में भी आपको अच्छी स्पीड प्रोवाइड होगी। शॉर्ट में मैं बात करूँ तो उसे हाइब्रिड ड्राइव यहाँ बोल सकते हैं, काफी अच्छी स्पीड आपको उस 1 TB हार्ड डिस्क में भी इसमें देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करूँ इसमें ग्राफिक्स कार्ड की, तो ग्राफिक्स कार्ड आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेवलिंग वगैरह अगर आप करते हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा लैपटॉप रहेगा। 14 इंच का ये लैपटॉप आपको देखने को मिल रहा है, और अगर आपको बैटरी बैकअप सबसे ज़्यादा चाहिए, तो आपको 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप इस लैपटॉप में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको लैपटॉप का अभी वेट बताया, 1.4 kg आपको इसमें वेट देखने को मिलेगा, बहुत लाइट वेट मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है। और लुकिंग तो मैंने आपको बताई इसमें क्या लुकिंग वाइज, ये देखो बहुत लाइट वेट अपने को लैपटॉप देखने को मिल रहा है, और लुकिंग वाइज बहुत अच्छी मेरे को बिल्ड क्वालिटी लगी है HP की। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूं इस लैपटॉप को अगर आप बाई करना चाहते हो, तो ये मार्केट में आपको आसानी से 53 से 54 हज़ार रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। ऑफलाइन परचेज करोगे, हर बार की तरह मैं बताता हूं, 2000 MRP का बैग आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन परचेज करोगे तो वहां आपको बैग देखने को नहीं मिलेगा। और बात करूं मैं इसमें वारंटी की, तो आपको 1 ईयर वारंटी का सपोर्ट देखने को मिल ही रहा है। 1 मंथ का आपको इसमें मैकेपे का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वैसे कोई इतना यूज होता नहीं है उस एंटीवायरस का, आप उसे रिमूव भी कर सकते हो, क्योंकि विंडो 10 में विंडो डिफेंडर के नाम से ही एंटीवायरस विंडो के साथ ही आता है, वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और इसमें आपको 64 बिट की होम सिंगल लैंग्वेज के अंदर विंडो देखने को मिली रही है। मैं रिकमेंडेड करना चाहता हूँ, अगर आप ट्रेवलिंग में अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। लॉन्ग लाइफ बैटरी बैकअप अगर आपको चाहिए, तो 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप आपको इसमें देखने को मिल ही रहा है। प्राइजिंग का भी मेरे को ज़्यादा इशू नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि i5 10th generation का लैपटॉप अपने को यह देखने को मिल रहा है। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी पूरे विश्व के अंदर एक महामारी फैल रही है, अपने घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, और हाथों को बार बार धोते रहिए। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।